हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश वीडियो में। आप का देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबर आप तक। 2019 के लोकसभा चुनाव करीब हैं और उससे पहले 1 फरवरी को कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने भारत का अंतरिम बजट पेश किया। पेश बजट के अनुसार कई सारे वादे और कई सारी योजनाओं की शुरुआत केंद्र की मोदी सरकार ने की है, लेकिन उसके साथ ही एक बड़ा नियम निकल कर के आ रहा है पैन कार्ड को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें कि पैन कार्ड इनकम टैक्स भरने या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी का ब्यौरा देने के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज बन चुका है और आप किसी भी चीज़ में पैन कार्ड का उपयोग कंपलसरी कर दिया गया है। इसको लेकर के 2019 के बजट के बाद एक नई बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जो जान लेना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। आप किसको इस खबर से अपडेट करा, उससे पहले बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। आपको बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने पर सरकार जबरदस्त जोर दे रही है और उसकी सीमा को बढ़ाकर अब 31 मार्च कर दिया गया है। 31 मार्च 2019 तक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा और उसके बाद अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है और पैन कार्ड आपका निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए 2.5 लाख से बढ़ाकर टैक्स की सीमा 5 लाख कर दी है और 1.5 लाख तक का अगर आप किसी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलाकर आपको 6.5 लाख रुपये सालाना इनकम का कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा और उसके ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो सीधा आपको 20% टैक्स 10 लाख तक देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नए बड़े बदलाव बजट को लेकर के किए गए और सबसे बड़ी जो खबर थी पैन कार्ड को अपने आधार से लिंक कराने वाली, वो हमने आप तक पहुँचाई। लाएंगे ऐसी तमाम अपडेट जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें खबर आप तक। धन्यवाद।